शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ा रहे थे उसके छेद छेद नहीं थे, हजारों लाखों कावड़ आती हैं, करोड़ों कम से कम, और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु हैं। गौशाला भी बन रही है यहाँ पर, हवन कुंड सोमवार में होता है दिल्ली, वैसे भी होता है, हवि से दिल्ली होते हैं। और यहाँ पर पुराना मंदिर है ये, जिसका ऊँटों का टोल खोया था उसने मनवाया है मंदिर भी, और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं लोग। यहाँ पर बहुत तगड़ी मान्यता है, कावड़ आते हैं दूर दूर से। एक हफ्ते पहले चल जाता है मेरा, अभी फिलहाल चालू है। और यहाँ पर खाटू श्याम जी, जय सिंह सिंह, नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल। जैसे कि आपने हमारे यहाँ के जो पंडित जी विद्वान हैं उन्होंने बताया कि आपको कैसे क्या यहाँ हर हफ्ते जो हवन हुआ करते थे हर अभी हो। तो दोस्तों चलिए हम आपको जो जोहड़ है, जो भागवत का जो पाठेश्वर जो दाम है दोस्तों शिव जी का, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं जो ये पीपल की जो टहनियाँ हैं काफ़ी जोर की तरफ झुकी हुई है दोस्तों, तो इस बात का हम आइडिया लगा सकते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा पीपल का जो पेड़ है ये भी बहुत साल पुराना है दोस्तों। हमने काफ़ी दिनों से पूछा था कि जैसे क्या इतिहास था, तो हमारे जो पंडित जी पूर्वज थे जो अब हमने आपको दिखाया पीछे, वो उनका कहना है कि काफ़ी साल पहले दोस्तों यहाँ एक बियावान जंगल हुआ करता था। बियावान जंगल तो जो एक जो ऊँट चराया करता था दोस्तों, उसके पास काफ़ी ऊँट हुआ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो उसके ऊँट थे दोस्तों वो खो गए, पर उसको बीच में जंगल में एक जो हमारे ये जो भागवत में जो शिवलिंग है दोस्तों वो दिखा था उसको। तो वो उस शिवलिंग के पास आके दोस्तों अरदास लगाते हैं कि हे शिव शंभू, जो हमारे ऊँट खोए हैं आप, जो ऊँट है हमारे वो हमको दिलवा दीजिए। तब बाबा ने उसकी अरदास पूरी की दोस्तों। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि दोस्तों जो भी भगत सच्चे दिल से दोस्तों हमारे बाबा के दर पर आता है, सच्ची आस्था से आता है दोस्तों, उसकी हर मनोकामना हमारे जो बाबा है बागेश्वर धाम भागवत ये पूरी करते हैं दोस्तों। चलिए हम आपको वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम वीडियो को बाबा के जो दर्शन है दोस्तों वो करवाते हैं। आइए हम बिल्कुल पीछे जो दिख रहा है आपको जो एक धर्मशाला नुमा है, ये बिल्कुल हमारे इस साइड देख सकते हैं साथ साथ, जो हमारे शिव शंभू का जो मंदिर है जहाँ हमारे शिवलिंग की स्थापना है दोस्तों। आइए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो जैसे आपने देखा दोस्तों यहाँ हमारे जो नंदी जी हैं दोस्तों बिल्कुल सामने हैं दरबार, बिल्कुल सामने हमारे जो नंदी जी हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी के सामने आप देख सकते हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं हमारे पीछे दोस्तों भागवत का जो प्रसिद्ध जो मंदिर है जिसकी काफ़ी पुरानी प्रतिष्ठा, काफ़ी पुराना जो इसका दोस्तों मूर्ति है जो बाबा शिवलिंग की, उसकी स्थापना उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। बताया ये भी जाता है हफ्ते पहले यहाँ पर दोस्तों गंगा जल चढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। आइए चलते हैं, ये जैसे दोस्तों आपने देखा हमारे जो शिव जी हैं उनकी जैसे आरती वगैरह कथा हो रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इससे जो माता हैं दोस्तों उसकी भी जो
मूर्तियाँ दोस्तों लगाई गई हैं। तो मैम इस मंदिर के अंदर दोस्तों हम बता दें जो शिवलिंग है दोस्तों हम उसको हम आपको दिखाएंगे पहली बार चरखी दादरी ब्लॉक पर दोस्तों हम ऐसा आपके सफिस आपके लिए कर रहे हैं। जो बागोट में प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों उसके अंदर हम इस समय खड़े हैं। तो ठीक है दोस्तों आइए। हमारे जैसे पंडित जी पूर्वज ने बताया है कि जो ये जो हमारा शिवलिंग है दोस्तों इसके बताया जाता है जब बारिश आती है तो दोस्तों जो इसका जो कलर है शिवलिंग का वो दोस्तों हरा हरा रंग का जैसे ग्रीन काइया नुमा हो जाता है और जैसे बिल्कुल जो भीषण गर्मी होती है भीषण जो गर्मी होती है उसके अंदर जो हमारा जो शिवलिंग है वो बिल्कुल एकदम पत्थर नुमा सूखा जिसे हम कहते हैं जो हम पहाड़ देखते हैं जैसे पहाड़ का जो पत्थर होता है उस आकार का हो जाता है दोस्तों। और मानना जाता तो ये भी है कि दोस्तों जो हमारा जो शिवलिंग है दोस्तों ये हर साल एक चावल के दाने के समान दोस्तों बढ़ता रहता है। बागेश्वर श्री महादेव जो बागोटी मंदिर है दोस्तों आप जो इसका ये गेट देख सकते हैं ये बिल्कुल अब बिल्कुल नया बनाया है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो पत्थर से लाल जो पत्थर है दोस्तों उससे दरबार पूरा जो एंट्री गेट है दोस्तों कंप्लीट कर दिया गया है। आगे आगे और भी इसमें काफ़ी अधिक कार्य होने हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मेला जिस समय भरता है कितनी भीड़ होती है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है क्या क्या लगता है भंडारा भी लगता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे श्रद्धालुगण आते हैं श्रद्धालुगण जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए जैसे प्रसाद की व्यवस्था है दोस्तों और फल फ्रूटों की व्यवस्था है नारियल की व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसी अन्य काफ़ी दुकान आपको दिख जाएगी तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आइए। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल मंदिर के सामने पहली दुकान है बिल्कुल ये जो बिल्कुल सिर्फ सामने इधर आइए ये जो रोड है आप ये देख सकते हैं इस समय दोस्तों आप इसमें जो टेंट वगैरह लगेगा मेल की जो खिलौने वगैरह हैं खाने पीने की जो चीज़ें हैं दोस्तों वहाँ आप जैसे तैयारी अब कर रहे हैं लोग भगत जन अब तो आपको खाली है जिस समय यहाँ पर दोस्तों शिवरात्रि महाशिवरात्रि का जो पर्व आएगा तो यहाँ पर हम आपको बता दें काफ़ी अत्यधिक भीड़ हो जाएगी दोस्तों जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। ये तो हमारे भी चलो बाबा शिव की कृपया थी जो इस समय बिल्कुल हम आपके लिए तसल्ली बख्श वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कैमरामैन से कहेंगे आगे चलकर इनको जो व्यवस्था है दोस्तों खाने पीने की जो व्यवस्था भंडारे की व्यवस्था है जो खिलौने की व्यवस्था है जो भंडार जो मेले की जो संपूर्ण तैयारियाँ हैं हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से आइए। जरूर रखना फोन पर बोल ही दे बोल के दिखा दी जो तैयारी है सुन लागी से तो जैसे देख रहे हैं मेले की जो तैयारियां जोरों शोरों पर दोस्तों चल रही हैं और
आशा करते हैं कि आपको हमारी जो ये वीडियो है दोस्तों पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।